क्या नाम है आपका? क्या नाम? हिमांशु गुप्ता है। अच्छा, तो ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो खिचड़ीपुर है जी सर, उसमें आप दाखिला लेना चाहते थे जी सर, 11वीं क्लास में? यस सर। क्यों लेना चाहते थे बताओगे कुछ शब्दों के अंदर? सुना था सर इस स्कूल में कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है और जो पढ़ाई होती है बहुत अच्छी होती है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है और बताया कि जो टीचर हैं वो भी अच्छे हैं, तो आगे मतलब जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा, इसीलिए मैंने फिर हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेने के लिए सोचा था। तो कौन से स्कूल में पढ़ते थे पहले आप? पहले सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 12 नोएडा में पढ़ता था। अच्छा, तो फिर आपने क्या कोशिश करी इसमें दाखिला लेने की? सबसे पहले जिस समय उसका रजिस्ट्रेशन हो रहे थे मैं स्कूल में गया, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एलिजिबिलिटीज में लिखा है कि जो स्टूडेंट है उसे रेजिडेंट दिल्ली का होना चाहिए और 10th भी दिल्ली से पास होनी चाहिए। उसमें से एक एलिजिबिलिटी मेरे पास थी कि मैं दिल्ली का रेजिडेंट हूँ, लेकिन 10th मैंने दिल्ली से नहीं की, तो इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं आपको हम इसमें मतलब एप्लीकेशन आपके नहीं ले सकते। फिर प्रिंसिपल मैडम के पास मैं गया, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप सामने वाले विद्यालय में एडमिशन ले लीजिए, फिर आपका हम मतलब आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस वाले विद्यालय में आपको हम पढ़ा देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। तो अब आपको जो दाखिला मना किया उन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जी सर, और अब आप सर्वोदय स्कूल में चले गए है ना, 11वीं में दाखिले के लिए, तो अब आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि कैसा फीलिंग हो रहा है आपको कि आपको एक्सीलेंस स्कूल से दाखिला नहीं मिला, कैसा लग रहा है आपको? सर ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ मैं। किसने ठग लिया आपको? मैम ने सर पहले कहा कि आपको हम इस स्कूल में एडमिशन दे देंगे, उसमें मैंने सारा बहुत ज्यादा समय व्यर्थ हो गया, किसी आश्रय में था कि मैडम एडमिशन दिला देंगी, मैडम ने जैसे कहा कि आपको शिक्षा में इसमें से दिला देंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया, तो अच्छा नहीं लग रहा है कि एडमिशन कहाँ होगा और आगे कैसे पढ़ाई होगी। तो मैडम के तो हाथ में नहीं था ना, ये तो सिस्टम है ना, रूल किसने बनाया? तो सर पता नहीं, लेकिन रूल किसने बनाया यही नहीं पता आपको? रूल तो सर सरकार ने बनाया है। हाँ, तो फिर तो शिकायत तो आपको फिर किससे होनी चाहिए? सरकार से ही होनी चाहिए सर, दिल्ली सरकार से होनी चाहिए, केजरीवाल सरकार से। तो क्या कहना चाहते हो केजरीवाल सरकार को? यही कहना चाहता हूँ कि सर जो कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के विद्यालय बहुत अच्छे हैं वो अच्छे नहीं है, केवल एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उन्होंने अच्छा बनाया, इसके अलावा जो दिल्ली के और सर्वोदय विद्यालय हैं या जो अन्य गवर्नमेंट विद्यालय हैं उनकी हालत बिल्कुल खराब है। कल सर्वोदय विद्यालय खिचड़ीपुर जे कॉलोनी में गया था, उसमें ना सीटें अच्छी हैं और ना जो रूम्स हैं वो अच्छे हैं, और टीचर भी पहले दिन कोई नहीं आया था, ना किसी ने अटेंडेंस लगाई और ना हमसे पूछा आप आए या नहीं आए। तो हिमांशु आपका क्या फोन नंबर क्या है? मेरा फोन नंबर 7300334324 है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी व्यवस्था है उसमें अब आप पढ़ो है और अपनी मेहनत करो, स्कूल में अगर सुविधा नहीं भी है तो कोशिश करो कि आप अपनी मेहनत करके जो है तरक्की करो, है हौसला मत छोड़ो, क्योंकि हौसले से ही जिंदगी चलती है, है? जी सर। ठीक है, अब ये तो है ही बात कि इस सरकारी ढांचे के अंदर जो है आपने कुछ एक दो एक्सीलेंस स्कूल बना दिए हैं, बाकी कूड़ा करकट है, और आप ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्कूल जो है दिल्ली के है, ऐसा है नहीं है? ऐसा है नहीं सर, केवल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। हाँ, अगर उसे अभी मैं गया नहीं हूँ कहा जा सकता है, इस हिसाब से मेरे को पता था, दोस्तों ने बताया कि अच्छा है। अच्छा, तो ये होता ना कि दिल्ली के सारे बच्चों को है, जो 15-16 लाख बच्चे, सारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर दाखिला मिलता जी सर, तब तो अच्छी बात है, कुछ गिनती के लोगों को एक्सीलेंस स्कूल में दाखिला देने का और बाकी सब उसी कूड़ा सिस्टम में पढ़ेंगे, ये तो एक घोर अन्याय है ना जी सर। है? जी सर, ठीक है, आप भी आवाज उठाएंगे इसके लिए? जी सर, उठाते रहना है, ठीक है।